हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मुकेश और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो। आज हम आए हैं गांव जरुड़ा में, आपको यहां पर बताएंगे यहां के तालाब के बारे में और भी कुछ छोटे बड़े महादेव जी के मंदिरों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और हाँ, वो जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दिखाई दे रहा है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. तो अभी हम लोग जा रहे हैं तालाब की ओर। पास में जाकर आपको बताएंगे तालाब का व्यू। और तालाब के पास ही एक पुराने टाइम की बहुत बड़ी महादेव जी की छतरी है, उसका व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। उसको मॉडिफाई करके अभी नई बना दी गई है, तो एक बार चलो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी ज़मीन तालाब की है और यहीं का पानी तालाब के अंदर जाता है। और आपको बता दूं कि तालाब में जो पानी है उसका स्वाद बहुत ही मीठा है, क्योंकि यहाँ की सफाई रेगुलर होती है और सारी अंगूर है जो साफ़ सुथरी है। और बारिश के टाइम जो यहाँ का लुक है वो बहुत ही शानदार है और देखने लायक होता है। एक झलक ये रही सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, जहाँ पर महादेव जी की छतरी बनी हुई है। ये छतरी तालाब के किनारे पर एक टीले पर बनी हुई है और यहीं पास में ही एक माता जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार है। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, यही वो शिवजी की शानदार छतरी है। अभी हम चलते हैं इसके अंदर और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। यहाँ पर हर टाइम शिवलिंग पर जल का अभिषेक होता है। सोमवार के दिन यह लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सोमवार के दिन यहाँ पर शिवजी पर फूल चढ़ाए जाते हैं। यही शिवजी का दिन भी माना जाता है। महादेव जी की छतरी में खड़े होने के बाद इस तालाब का व्यू कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है यहाँ से खड़े होने के बाद।
तो अब हम चल रहे हैं माताजी के मंदिर में, जो यहीं पर पास में ही बना हुआ है। ये है दोनों मंदिरों के बीच का कंपाउंड, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है। यहीं पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं दीवार के सटीक। तो यह है माताजी का मंदिर, और यह भी कोविड की वजह से बंद है। और यहाँ जो दो गणेश जी की मूर्तियां हैं वो भी बहुत शानदार है। माताजी की मूर्ति भी बहुत शानदार है। हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन अंदर का व्यू देख सकते हैं बाहर से भी। और अब हम कर लेते हैं परिक्रमा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का देसी व्लॉग। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और जाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं ये जारुड़ा की शानदार स्कूल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।